नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कुवैत के बारे में। हालांकि कुवैत का तो एक एग्जाम्पल है, बाकी हर उस कंट्रीज पे लागू होती है जिस पे आप विदेश जाते हैं कमाने के लिए। खास तौर से वे में तो मैंने देखा है भाई, जो विजिट में जाते हैं उनके साथ एजेंट किस तरह का वहां पे ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं वो। जी हाँ, और कुवैत में भी ऐसी स्थिति थी। हालांकि इन कंट्रीज में दुबई एक विजिट टू वर्क वाली कंट्री है, बाकी कंट्रीज में ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा दूसरे दिमाग लगा के एजेंट कर लेते हैं। तो आप अगर विदेश जाते हैं किसी भी देश में तो इन चीजों की सावधानी रखना आपका काम रहेगा। जी हाँ, डिटेल से बात करेंगे। 7 लोगों को बता दूं, 3 साल की सजा भी कोर्ट ने सुना दी है। मैटर क्या था, अब दूसरे देशों के लोगों को अपनी कंट्रीज कुवैत में बुलाना, फिर उनके साथ गलत करना। जी हाँ, डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज गल्फ कंट्रीज कुवैत से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। एक्चुअल में मैटर क्या हुआ, 7 लोगों को कोर्ट ने सजा सुनाई है, 3 साल। 3 साल अंदर रहेंगे, फिर ब्लैकआउट और ब्लैक लिस्ट करके लाइफ टाइम के लिए कुवैत से बाहर धक्के देके उनको निकाल देंगे। जी हाँ, दरअसल कुवैत सरकार, विदेश मंत्रालय, जो लेबर मंत्रालय होता है, उनको शिकायत मिली थी, 3,000 शिकायतें। उन शिकायतों में यह बताया गया था, हमें यहाँ पे बुलाया गया लेकिन हमें जॉब नहीं मिली। काफी लोगों को जॉब पे लगाया गया लेकिन उनको तनख्वाह नहीं मिली। तो आपको पता है भाई, वहां पे सिस्टम ने, विदेश मंत्रालय ने, वहां के लेबर कोड मंत्रालय ने आदेश दिया। आदेश देने के बाद उनकी जांच हुई, 2300 लोगों को सैलरी दिलवाई गई। ठीक है, 2,300 लोगों को सैलरी दिलवाई गई। 800 लोग जो उल्लंघन, जिनके पास वीजा नहीं थे, कुछ भी रीजन था, उनको अपनी कंट्री वापस रवानगी दी गई। और उस केस में जांच की गई तो ऐसा पता लगा कि वहां पे बैठ के जो कुछ एजेंट हैं, ट्रेवल एजेंसी हैं, जो लेबर का काम करती हैं, लेबर सप्लायर का, वो लोग जैसे इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से, बांग्लादेश से, हालांकि पाकिस्तान तो बैन है, फिर भी बहुत सारी कंट्रीज के वो लोग किसी भी बहाने से कुवैत में लोगों को बुलाते, उनको जॉब नहीं लगवाते, या फिर जॉब लगवा लेते, उनका पासपोर्ट अपने कब्जे में रखते, या फिर उनको काम होने के बाद बाहर नहीं निकलने को बोलते। इस तरह की उनकी कंडीशन थी। जी हाँ, उनको बड़ी रकम की लालच देते। हालांकि मेरे पास आते हैं कुवैत से डायरेक्ट वीजा, डायरेक्ट टिकट, डायरेक्ट ऑफर लेटर, बस 40,000 दे दो, 20,000 दे दो, 30,000, सीधा कुवैत आ जाओ, मैं आपको टिकट भेजता हूँ। ऐसा मेरे पास भी आते हैं और यही लोग जाके वहां पे आराम से फंस जाते हैं। जी हाँ, कुवैत के धड़ल्ले से मेरे मोबाइल पे 10 वीजा रोज आ रहे हैं, विजिट परमिट वीजा। अब आप जो कुवैत में बैठे वीडियो देख रहे हो, आपको पता है कि परमिट वीजा क्या है, अभी कंडीशन चल रही है कुवैत में, लेकिन नहीं जी, रोज वीजा आते हैं। अब ये लोग आराम से बोलते हैं टिकट हो जाएगी 15 दिन बाद में। अब बताओ जी क्या करें, लोगों के यहाँ जो परमिट वीजा लेके बैठे उनकी टिकट फ्लाइट नहीं हो रही है, इन लोगों की वो फ्लाइट करवा देंगे। लेकिन ऐसा लालच भी तो लोगों को मरवाता है ना, वो उनकी गलती नहीं है, वो तो उनका काम है। उनको बड़ी सैलरी का लालच दे के काफी लोगों को बुलवा भी लेते, फिर काम करवा लेते, तनख्वाह नहीं दिलते, तनख्वाह उनकी रोक लेते, काम ज्यादा करवाना, पासपोर्ट उनका जब्त कर लेना, या फिर उनकी जब तक वो उनके जंगल से बाहर नहीं निकल जाए पासपोर्ट वगैरह अपने पास रखते। जी हाँ, तो ऐसे 7 लोगों को फिर गिरफ्तार किया गया। आपको पता है भाई, गल्फ कंट्रीज में तो ये तो है नहीं, इंडिया आज मुकदमा किया है, 1 साल बाद पुलिस चालान पेश करेगी, उसके 1 साल बाद पकड़ेगी, फिर कोर्ट में जाएगा, 7-8 साल घसीटा जाएगा। वहां तो 7 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में फैसला होके फिनिश हो जाता है मैटर। तो इस तरह से 7 लोगों को सजा हुई है। आपके साथ भी अगर ऐसा लगता है कुवैत में आपके साथ ऐसा हो रहा है तो भाई आप भी शिकायत कर सकते हैं, ताकि जो गलती करें उनको एहसास हो जाए कि गलत करना गलत कितना होता है। जानकारी अच्छी लगी तो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।